अड्डे पे, अड्डे श्री मोड़ का नाम सुना है आपने? साईवाल का भी आए ना, आरिफ वाला रोड पे, तो यहाँ अड्डा एक श्री मोड़, वहां से हमें बिलोंग करते, सात गांव है हमारा 105 नाइनल। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मिस्टर मगामो, आई एम अकेरेज मगामो, योर फेवरेट यूट्यूबर। अभी अभी हमने व्लॉग स्टार्ट करने आगाज किया है जी जनाब अली, आज आपको इस शुभ मुहूर्त पे मुबारकबाद पेश करते हैं। आज है जी ईद उल फितर, क्योंकि आज हम काफी दिन बाद व्लॉग कर रहे हैं, क्योंकि हमने व्लॉगिंग छोड़ दी है, क्योंकि हमारे इंटर के पेपर है और इंटर के पेपर हमारे लिए लाजमी है, व्लॉगिंग तो बाद में कर लेंगे, सो रेगुलर व्लॉगिंग बंद है इंशाल्लाह। आफ्टर इंटर पेपर हमारा काम ही यही होना है कि आप लोगों के साथ डेली व्लॉगिंग करना। सो फिलहाल जी टाइम है सुबह सुबह का, रियासत और मैंने जी गोश्त ले लिया, और रे ये हमारी बाइक है, न्यू बाइक कल लेके आए हैं, इसका व्लॉग नहीं किया क्योंकि यार बनाए थे लेकिन फिर कैंसिल करने पड़ते थे, दिल नहीं था, आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जब तबीयत ठीक होती है तब मोगैम्बो भाई दिल खुश करके मोगैम्बो भाई व्लॉग बनाते हैं। तो इंशाल्लाह कुछ कुछ व्लॉग आएंगे, बड़े बड़े मजेदार होंगे, और उम्मीद करता हूँ जी आपने ईद उल फितर के कपड़े शपड़े पहन लिए होंगे। और अभी इस वक्त मोगैम्बो जा रहा है अपना सूट लेने, और रियासत साहब भी, मैंने तो अपना सूट ले लिया है बट दूसरे वाला सूट जो सिलाई करवाया वो कल लूंगा सेकंड डे पे, और कल भी कुछ खास होने वाला है, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं 138 नाइनल, वहाँ पे हमने अपने दर्जी को दोस्त को सूट दिया है फ्री वाली सिलाई है, फैन तो बनते हैं भाई, तो चलते हैं बिना देरी के सूट लेने, लेट्स गो। सो भाई जान हम आ चुके अपने जो हमारे फेवरेट जो है ना ड्रेसिंग डिजाइनर हैं जनाब मुजम्मिल परवाना 38 वाला, बहुत इनके मशहूर हैं जिन्होंने हमें अपने कीमती टाइम में से इन्होंने एंड टाइम पे हमारे सूट लिए और सिलाई करके दिए, जजाक अल्लाह भाई जान, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपके इस मोहब्बत के हम ना मशहूर हैं सर। सूट जो है रियासत भाई का सिलाई किया इन्होंने, और मेरे वाला सूट ये मुझे कल देंगे क्योंकि मेरे पास और रेडी कुर्ता पजामा है, ठीक है ना। तो हम कपड़े लेके आ गए हैं जी, रियासत साहब अंदर नहाने गए हैं, पूरे पूरे थोड़े सा टाइम रह गया, और रियासत भाई पता नहीं ये बन समर के कब निकलेगी दुल्हन हमारी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, तो बस दुल्हन के इंतजार में है जी कि दुल्हन कब निकलती है और हम भी जाके नहा के अपने फ्रेश से सूट पहनते हैं। दुल्हन जनाब तैयार हो चुकी है हमारी, रियासत जल्दी आ यार, जल्दी टाइम निकला जा रहा है ईद का, चलें जी अभी बिना देरी के निकलते हैं और मैं भी जाके तैयार शैर होता हूँ, और आपको मैं भी अपने दुल्हन वाला सूट दिखाता हूँ कि कैसा लगता है आपके मोगैम्बो भाई के ऊपर। जी हमने ईद पढ़ ली है, आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी मुझे पता है आपने नहीं पढ़ी होगी, यार आप किधर ईद पढ़ते हैं, मोगैम्बो भाई पढ़ के आया ईद। तो इस वक्त जनाबे अली हम अपने मुरब्बे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ फोटो लेते हैं, और तो यहाँ कोई लोकेशन है भाई नहीं, ये इस्लामाबाद तो है नहीं जहाँ पे हम फैसल मोस या इस तरह के फेमस प्लेसेस पे आपको जाके फोटो लेके भेजें, भाई इधर के गांव के लोग हैं, गांव की पिक्चर लगेंगी अब तो। तो इस वक्त हम पिक्चर वीडियो बना के उसके बाद कब्रिस्तान जाना है, आपको चाहिए आप खुद कब्रिस्तान जाएं, इस दिन आपको जाना चाहिए क्योंकि हमारे जिनसे ईदें हुआ करती थी कुछ लोग वहाँ भी दफन है, तो उनकी कलाम उनकी मगफरत दुआएं करेंगे, उसके बाद हम कुछ अड्डे पे जाते हैं वहाँ से कुछ खाते हैं, उसके बाद जाके घर आए, गोश्त चिकन का सालन उसके साथ रोटी का बड़ा मन है, तो रियासत साहब भी बड़े बेताब हैं, तो फिलहाल पिक्चर लेते हैं बिना देरी के। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये लोग भी कभी हमारी खुशियों में शरीक हुआ करते थे, हमारी ईद हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हर किसी को मौत का मज़ा चखना है, तो मेरी सब मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि ईद उल फितर के ख़ास दिन के मौके पर आप लोगों को घर के अलावा कब्रिस्तान भी आना चाहिए और इन लोगों के लिए दुआए मगफरत मांगनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक हमारे मुसलमान भाइयों को हदायत दे, और इन सब भाइयों की जितने भी ये मोमिनीन मुसलमान इस कब्रिस्तान में दफन है और दूसरों में सबकी बख्शिश फरमाए, आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह। भाइयो भाइयो हम आ चुके हैं जी कब्रिस्तान के बाद इधर अड्डे पे, अड्डे श्री मोड़ का नाम सुना है आपने? साईवाल का भी आए ना, आरिफ वाला रोड पे, तो यहाँ अड्डा एक श्री मोड़, वहाँ से हमें बिलोंग करते, सात गांव है हमारा 105 नाइनल। और भाई ये देखें ये पिंपल निकले हैं आपके भाई को, दो पिंपल बड़े गंदे लग रहे हैं, गुस्सा आ रहा है इन पे मुझे, इनको मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे। आज मोगैम्बो पता नहीं क्यों अंदर से लावा उबल रहा है, हैं लावा, जब लावा फटेगा ना तो पूरे यूट्यूब में व्लॉगिंग में छा जाएगा इंशाल्लाह। कल हमने कमेंट्री भी करनी है और हमने कल जाना है अटक, अटक शहर का नाम सुना है?
सुन लेंगे जब जब कल मैं जाऊंगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हमारा मिल्क शेक तैयार हो रहा है। असद के नाम पर धोखा हुआ है, उसको गिलास फराम किया गया है। हमारे जो जूस बनाते हैं ना भाई जान, वो हमारे ऑर्डर फॉलो करते हैं। इनके सेहत के मुकाबले में यही इनके हिसाब से फिट है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और ईद का पहला जूस पीते हैं साहिवाल में। क्या हो रहा है यार, रियासत की इतनी काली जबान है कि इसने, ये देखो मेरा जूस गिर गया इसके। अल्लाह माफ करे, इससे बच जाओ भाई, ये आपको भी कोई ना काली जबान से कुछ बोल ना दे। अरे मुझे बन गया और चस करा दिया इस जूस ने तो भाई, गर्मी मेरी अंदर से खत्म कर दी है। रियासत साहब अपनी गर्मी खत्म करो, क्यों शर्मा रहे हो यार जूस पीते हुए। इस बंदे को तो मैं बुरका लेके दूंगा, ये जो इसके हालात चल रहे हैं। सर जी फ्रूट चाट का, ये भाई जान सामने खड़े हैं जी आपके सामने, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया फ्रूट चाट। चेक करते हैं कि कैसा टेस्ट है। जानी लोग कैसे हो आप लोग, रियासत साहब को छोड़ा था और हम सो गए थे आके, खाना शाना खा के दबा के खाया खाना, और अभी हम उठे 5:30 हो गया। इधर देखे कितने खूबसूरत है इस वक्त मौसम के नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं मैं और रियासत का छोटा भाई, और रियासत साहब को अभी फिर पिक करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या प्लान है, शायद हम किसी दोस्त की तरफ जाए और शायद हम इधर ही टाइम पास करें, वेले लोग हैं जी वेले, तो इधर ही टाइम पास करेंगे या फिर किसी दोस्त की तरफ चक्कर चक्री मार के आते हैं। लेट्स सी, डिसाइड करते हैं अभी। हेलो रियासत भाई और मैं बोर हो रहे थे, हम आए हैं शहरी भाई के पास। हमारा जिगरी यार है काम से बेचारा, अभी आया है काम से, अभी नहीं है काफ़ी दिन पहले आया है। माशाल्लाह काम करते हैं, आपको पता है हम तो वेल हैं, ये काम करने वाले लोग हैं, तो इनका आपको इंटरफेस करवाते हैं। शहरी भाई, शहरी भाई बढ़िया हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ा काम से हम कर रहे हैं आजकल फैक्ट्री में, भाई यार पूरा एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे, तो अभी बस यहाँ पे गप्पे लड़ाते हैं। और आज का व्लॉग यहीं तक था, हमारी ईद यही थी भाई, 5 अक में और हमारे गांव में इस तरह की ईद होती है, बोरिंग थी, तो बस अपनों के साथ ईद मनाने का अपना ही मजा है, तो बस यही हमारा है पैशन और यही हमारे लिए सब कुछ है। बाहर सिटीज में आप घूमने जा सकते हैं लेकिन गाँव में आप घूम नहीं सकते, बस अपनों से मिल के बस घर पे सो जाओ आराम से, और हमने ही आज ऐसा किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में, कल का व्लॉग बहुत शानदार होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आई होप ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। कर लें भाई लोग, कर लें, आपकी मेहनत तरला भी कर लेंगे, लेकिन कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी मुगैम्बो आर्मी टीम ज्वाइन लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, जज़ाकअल्लाह, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, ईद उल फितर मुबारक।